साथियों, मुझे तमिलनाडु की जनता को और देश की जनता को एक सत्य बताना जरूरी है और बड़े दुख के साथ, सत्य कड़वा होता है लेकिन सत्य जरूरी भी होता है। मैं सीधा सीधा आरोप लगाना चाहता हूं यूपीए सरकार पर। ये सारे जो प्रोजेक्ट मैं आज लेके आया हूं, ये दशकों से यहां के लोगों की मांग थी। आज जो यहां सत्ता में बैठे हैं वे लोग उस समय दिल्ली में बैठे थे, सरकार चलाते थे, ये डिपार्टमेंट चलाते थे, लेकिन उनको आपके विकास की परवाह नहीं थी। बातें तमिलनाडु की करते हैं लेकिन तमिलनाडु की भलाई के लिए कदम उठाने की हिम्मत नहीं थी। आज आपका सेवक तमिलनाडु की धरती पर तमिलनाडु का नया भाग्य लिखने के लिए एक सेवक बनकर के आया है। नंबर हेले இன்று ஒரு கசப்பான உண்மையை உங்கள் முன்பாக வைக்க விரும்புகிறேன். உண்மை கசப்பாக இருக்கலாம், ஆனால் அதன் உண்மை தன்மை மிகவும் சத்தியமானது. நான் நேரடியாக யூபிஏ அரசாங்கத்தின் மீது நான் குற்றச்சாட்டை முன்வைக்க விரும்புகின்றேன். பல தசாப்தங்களாக இங்கே இப்போது அரங்கேறிக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த நலத்திட்டங்கள் இவை வெறும் கோரிக்கைகளாக மட்டுமே இருந்து வந்தன. இவை நிறைவேற்றப்படாமலேயே இருந்தன. ஆனால் இன்று உங்களுடைய சேவகன், பிரதம சேவகனாக நான் இங்கே உங்களுடைய விருப்பங்களை, உங்களுடைய கோரிக்கைகளை, அந்த கனவுகளை நனவாக்க உங்கள் முன்பே வந்திருக்கின்றேன்.